Hello everyone, so today date is 16th February and we are going to solve some PYQs of biotechnology and its application chapter of class 12th biology. Start karte hain question number 1 se. In RNAi the genes are silenced using, sabse pehle main aapko bata dun ye jo hamare paas biotechnology unit hai NCRT में, उसका हमने जो है एक ऑलरेडी चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें होती हैं. ये चैप्टर ऐसा मतलब छोटा सा चैप्टर है और आप इसमें मतलब ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ें, क्योंकि इसका बेस जो है पीछे चैप्टर से बन जाता है हमारा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले से. तो यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस बना के मैं आपको समझा देती हूँ. जो भी आपके NCRT की बुक में इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रखी है वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको. RNAi यानी इसको हम RNA इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं, इज ट्रिगर्ड बाय डबल स्टैंडर्ड RNA इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स प्लांट्स एंड फंगाई. सबसे पहले समझो जो RNA इंटरफेरेंस होती है ये डबल स्टैंडर्ड RNA के द्वारा ट्रिगर होती है एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग जैसे एनिमल्स प्लांट्स फंगाई वगैरह सब हो सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है ये, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर RNA एंड देयर फोर. अच्छा, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, NCRT की बुक में आपके ऑलरेडी लिखी हुई है चीज़ें. देखो मैं वैसे वर्बली बोल के बता देती हूँ, जो चीज़ें लिखने की होंगी वो थोड़ा सा हिंट के तौर पे लिख दूंगी. ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक mRNA की को जो है साइलेंस कर देता है. देयर फोर जो एक्सप्रेशन होती है एक जीन की बाय फॉर्मिंग आ डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल को बनाकर उसके एक स्पेसिफिक मैसेंजर RNA वाली साइट को ये साइलेंस कर देता है. जो डबल स्टैंडर्ड RNA होता है वो फॉर्मड होता है बाय बाइंडिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री RNA, जिसको हम एंटी सेंस RNA भी बोल सकते हैं, यानी जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसके साथ हम उसकी बाइंडिंग कराते हैं उस ओरिजिनल mRNA की, देयर बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन. तो ओरिजिनल mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, यानी वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये बात करी गई है. थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेंगे इसकी. 1998 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे एंड्रयू फायर एंड क्रेग मेलो, इन्होंने पब्लिश की थी उनकी डिस्कवरी ऑफ अ मैकेनिज्म जो कि डिग्रेड कर सकता है मैसेंजर RNA को एक स्पेसिफिक जीन की मदद से. ये जो मैकेनिज्म था RNA इंटरफेरेंस वाला इज एक्टिवेटेड, ये कब एक्टिवेट हुआ, जब RNA के मॉलिक्यूल एज अ डबल स्टैंडर्ड पेयर सेल में वो आकर होने लगे. हिस्टोरिकली RNA इंटरफेरेंस वॉज नोन बाय, मतलब और भी अदर नेम से उनको पहले जाना जाता था, जैसे कि को सुप्रेशन, ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग यानी PTGS जिसको हम बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग और क्वेलिंग, ये इसके पहले के नाम थे, ठीक है, हिस्टोरिकली. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस के कॉन्टेक्स्ट में, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. आपकी एनसीआरटी की बुक की लाइन है इवन ये गोल्डन राइस के ऊपर, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डेफोडिल. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गोल्डन राइस में काफी ठीक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है. गोल्डन राइस एक फॉर्म ऑफ राइस होती है किसकी बायोसिंथेसिस है, बेटा कैरोटीन. ये बीटा कैरोटीन जो होती है एक विटामिन ए की फॉर्म होती है बेसिकली, ये जो कि इसको गोल्डन या फिर येलो कलर प्रोवाइड करती है. इट इज कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. इसको एज अ हम गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है राइस के तौर पर कंसिडर करते हैं, यानी कि GMO जो कि मतलब कि अपना मॉडिफिकेशन से बनाते हैं किसी भी उसको हम स्पीसीज को ऑर्गेनिज्म को. एंड फोर्टिफाइड फूड दैट इट इज प्रोड्यूस टू कम्बैट अ विटामिन, मतलब कि ये क्यों बनाई गई थी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को जो है हील करने के लिए बेसिकली, जहाँ पे विटामिन की कमी हो. इट वॉज इन द मतलब कि लेट 1990s में जो है दो यूरोपियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया गोल्डन राइस को आफ्टर इंसर्टिंग उसके अंदर बेटा कैरोटीन एनरिच्ड राइस के जीन को डेफोडिल से उसको राइस में क्या कर दिया, उन्होंने इंसर्ट कर दिया, जिसके वजह से हमारे पास गोल्डन राइस की एक नई वैरायटी उस टाइम आई थी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है. नेक्स्ट, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजियनसिस इन बोलवर्म. तो क्या ट्रिगर करता है किसके एक्टिवेशन को, जो प्रोटोक्सिन यानी कि
प्रोटोक्सिन से पहले, प्रो बोलते हैं उसको हम, तो व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोक्सिन, के एक्टिवेशन को कौन ट्रिगर करता है एक्टिव बीटी टोक्सिन में ऑफ बैसिलस थुरिंजेंसिस इन बोलवर्म। तो क्या ऐसी कंडीशन है जिससे कि जो प्रोटोक्सिन है वो एक्टिव टोक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है? बॉडी टेम्परेचर नहीं, एनसीईआरटी से आपकी मतलब इतनी जितने भी इस चैप्टर के पीवाईक्यूज क्वेश्चन वगैरह होंगे अधिकतर जो एनसीईआरटी की लाइन से ही मिलेंगे आपको। मोइस्ट सर्फेस ऑफ मिडगट नहीं, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, बिल्कुल ठीक है, अल्कलाइन पीएच होना चाहिए गट का। देखो बैसिलस थुरिंजेनेसिस यानी बीटी ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, दैट सिंथेसिस पैरास्पोरल क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स कंटेनिंग क्राई वन ए एंड क्राई टू ए बी प्रोटीन्स। ये आपको पता होगा क्राई वन ए एंड क्राई टू ए बी प्रोटीन्स, कुछ सम ऑफ विच आर, कुछ इनमें से टॉक्सिक होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट के लिए, जैसे कि एग्जांपल में मोथ लार्वा हो गया जो कि फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है सर्टेन क्रॉप की उनको अटैक करता है, निमेटोड्स, ह्यूमन कैंसर सेल, ये सब इसमें आते हैं। ये जो टॉक्सिन होते हैं ये सब इनिशियली, तो देखो बिल्कुल पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी के बुक में अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो आपको याद आएगा, ये जो टॉक्सिन होते हैं ये इनएक्टिव प्रोटोक्सिन में फॉर्म होते हैं, लेकिन एक्टिवेट कब हो जाते हैं, जब ये हाई अल्कलाइल पीएच जो होता है इंसेक्ट के गट में जब इनको वो मिल जाता है तो उस दौरान ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बार इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट ने इनका इसको इंजेक्शन कर लिया इसका, तो ये जो क्रिस्टल हैं ये सोल्यूबलाइज हो जाएंगे मिड गट में और टॉक्सिन जो है वो प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेट हो जाएगा मिड गट में, ठीक है, जो कि बाइंड कर लेगा जो स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना किसी भी इंसेक्ट सेल के मेम्ब्रेन में उनके साथ ये बाइंडिंग कर देगा, जिसकी वजह से सेल, उनका जो सेल अरेंजमेंट है उसमें डिस्ट्रप्शन आ जाएगा और इंसेक्ट की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका अल्कलाइल पीएच ऑफ गट होगा और इससे रिलेटेड मैंने पूरा पैराग्राफ आपको समझा दिया है। विच पार्ट ऑफ टबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलिडियो गाइनी इनकोग्निटा, कौन सा पार्ट जो टबैको प्लांट का ये मेलियोडाई गाइनी इनकोग्निटा उसको इन्फेक्ट करती है, एनसीईआरटी की लाइन है रूट्स। देखिए मेलियोडोगाइनी इनकोग्निटा एक निमेटोड है, निमेटोड का मतलब होता है क्या, राउंड वर्म, हिटेरोडेरिडी फैमिली का है, अलग इससे आपको लेना देना नहीं है। इट इज कॉमनली कॉल्ड, इसको साउदर्न रूट नोट निमेटोड भी बोला जा सकता है या फिर कॉटन रूट नोट निमेटोड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तो रूट आंसर है, काफी इजी क्वेश्चन था। क्रॉप इंजीनियर फॉर ग्लाइफोसेट आर रेजिस्टेंस या टोलेंटो, जो क्रॉप्स इंजीनियर की जाती हैं ग्लाइफोसेट के लिए आर रेजिस्टेंस या टोलरेंट टू, किसके जो अगेंस्ट उनके पास रेजिस्टेंस या फिर टोलरेंट कैपेसिटी उनकी होती है ये पूछा गया है। तो देखो बैक्टीरिया, इंसेक्ट, हर्बिसाइड्स, फंगाई, हर्बिसाइड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, मतलब देखो ऐसे लिख के हर चीज़ समझाने वाली नहीं है, आप एक बार सुन भी लोगे क्योंकि एनसीईआरटी से सारी रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं, तो मैं वर्बली भी बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो तो काम चल जाएगा। देखो आज जो प्लांट है, टूडेज प्लांट हैविंग द, उनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं जो कि मेड रेजिस्टेंस टू पावरफुल, जो पावरफुल बायोडिग्रेडेबल हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट होते हैं उनके अगेंस्ट उनकी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है। ये एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है राउंड यूपी रेडी प्लांट्स का, ये डिस्टर्ब करता है जो ये चेन होती है ना सिंथेसिस एंजाइम की प्लांट्स में, उसको डिस्टर्ब कर देता है। अगर ये क्रॉप प्लांट्स के द्वारा टेक अप हो जाए तो दे विल डाई, वो मर जाते हैं। सो बायो इंजीनियर हैव ट्रांसफर, तो बायो इंजीनियर ने इसको, इस जीन को ट्रांसफर कर दिया था फॉर सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस एंजाइम जो कि था टू क्रॉप प्लांट। अब ईपीएसपी, ये जो सिंथेसिस की बात हो रही है एंजाइम की, ये क्या होता है, ये इसका मतलब है 5-इनोल पाइरुविल शिकीमेट 3-फॉस्फेट सिंथेस। ये पूरा इसका, हालांकि इसका एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है हमारे चैप्टर में, ये एक की एंजाइम होता है, फिर भी खैर एक्स्ट्रा सुन लो कोई बात नहीं, की एंजाइम होता है किसके बाय सिंथेसिस के लिए, एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बाय सिंथेसिस के लिए प्लांट्स में और बहुत सारे माइक्रोब्स में। ईपीएसपी सिंथेस कैटेलाइज करता है किसके एडिशन को, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के इसको एडिशन को 2S3PS3P का शिकीमेट 3-फॉस्फेट के लिए, जनरेट करता है 5-इनोल पाइरुवेट शिकीमेट 3-फॉस्फेट यानी कि ईपीएसपी को, जो कि एक प्रीकर्सन होता है फिनाइल एनिलीन एंड ट्राइप्सिन। मुझे पता है इसमें से काफ़ी कम चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन को एज इट इज़ रट लेना क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी, ये कुछ ज़्यादा ही मैंने आपको बताया है, ठीक है।
बीटी टॉक्सिन में जो बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, बीटी कॉटन में जो बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यूज में एज प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में, ड्यू टू किसकी वजह से वो इसमें कन्वर्ट होता है? एसिडिक पीएच नहीं, अभी ऐसा सेम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आई थिंक हम करके आए हैं, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं, देखो ऐसे रिपीट होते रहेंगे। जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इनको क्या आएगा, विटामिन ए, क्या बताने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं, हम करके आ चुके हैं इसको, ठीक है। और गोल्डन राइस का साइंटिफिक नाम यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ओराइजा सेटिवा, ये इसका साइंटिफिक नाम होता है। पोलन टैबलेट्स जो होती हैं, पोलन ग्रेन की जो टैबलेट्स बनी होती है वो अवेलेबल होती है मार्केट में 4, किस तौर पे वो अवेलेबल होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है सप्लीमेंटिंग फूड के तौर पे, ठीक है। ये हमारा जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है, क्लास 12th की बायोलॉजी में आई थिंक सेकेंड चैप्टर है, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स वगैरह का जब हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें, वहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें जो है पोलन टैबलेट्स वगैरह की, पोलन ग्रेन्स से जो भी सप्लीमेंटिंग फूड वगैरह होते हैं इन सब के थोड़ा सा एक दो लाइनें दे रखी है उधर। तो देखो पोलन ग्रेन्स जो है वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, देयरफॉर उनको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जा सकता है। एथलीट्स और या फिर जो रेस हॉर्सेस होते हैं वो इन टैबलेट का यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। पोलन कंटेन करता है क्या, 22.7% प्रोटीन एवरेज इंक्लूडिंग, जिसमें कि 10.4% अमाइनो एसिड होते हैं, सच दैट मिथियोनिन, लाइसिन, थियोनाइन और हिस्टिडाइन, ल्यूसाइन, मतलब बेसिकली जो भी अमाइनो एसिड होते हैं बहुत सारे प्रकार के, अलोंग विद दिस इसके साथ साथ इट ऑल्सो कंटेन शुगर, लिपिड और स्टीरोल्स की मात्रा भी कहीं ना कहीं ये कंटेन करता है, किसकी, शुगर, स्टीरोल्स और लिपिड्स, ठीक है। तो आगे देखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर्स, कौन सी टाइप की बीटी क्रॉप जो है फार्मर्स के द्वारा इंडिया में ग्रो कराई गई थी? तो कॉटन, बीटी कॉटन काफी इजी है। बीटी कॉटन बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर्स, बीटी कॉटन एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब होता है जो ये जो पेस्ट वगैरह लग जाते हैं ना जो फसल को खराब कर देते हैं उनके खिलाफ इनके पास प्रतिशोधक शक्ति होती है, प्रतिरोधक शक्ति जो कि डिक्रीज करती है पेस्टिसाइड यूज को, ठीक है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये बीटी टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एक बैक्टीरियम जिसका नाम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इसको हम बीटी बोलते हैं शॉर्ट। बीटी टॉक्सिन जीन जो हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से ये मल्टीप्लाई हो गया एंड हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, और इसको जो है ये एज अ मॉडिफाइड हम बोल सकते हैं, इसको कॉटन, बीटी कॉटन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो काफी सारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पे जो रिलायंस होती है क्रॉप्स की वो भी कई हद तक कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जो है ये क्या हो जाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन जाते हैं। तो कॉटन इज द करेक्ट ऑप्शन। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से बात हुई है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम, नहीं, सिंथेसिस ऑफ सीडीएन ये तो कोई जिक्र नहीं था, साइलेंसिंग स्पेसिस ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल ठीक है। क्या हम ये क्वेश्चन करके नहीं आए अभी, फर्स्ट क्वेश्चन में सारी इसके बारे में बात की थी। आरएनए जो है, आरएनए इंटरफेरेंस एक मेथड होता है सेलुलर डिफेंस का हर एक यूकैरियोट में, ये एक सिस्टम होता है लिविंग सेल के विदिन जो कि मदद करता है स्पेसिफिक जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। ये जो मेथड है ये इन्वॉल्व करता है साइलेंसिंग एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए के कारण, जो प्रिवेंट करता है टारगेट जीन या एमआरएनए की ट्रांसलेशन को। जो सोर्स होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ये रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। क्या होता है रेट्रोवायरस, या उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपोजोन्स, जो कि मोबाइल जेनेटिक मटीरियल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया साइलेंसिंग और स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कंजप्शन जो होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए, गोल्डन राइस, क्या बार बार बताने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टबैको प्लांट्स रेजिस्टेंस टू अ निमेटोड हैविंग द डेवलपमेंट, बिल्कुल कौन सा आएगा वो हमारे पास, डेवलप बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस्ड इन होस्ट सेल, क्या बनाता है होस्ट सेल में, एनसीईआरटी की लाइन है, सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों की प्रोडक्शन होती है। देखिए आरएनए इंटरफेरेंस का ही एग्जाम्पल है हमारे पास, आरएनए इंटरफेरेंस जहां पे आपके एनसीईआरटी की बुक में पैराग्राफ दे रखा है उसी के साथ इसका एग्जाम्पल दे रखा है। और आरएनए इंटरफेरेंस में आप जानते हो सेंस के एक एंटी सेंस आरएनए जो उसके अगेंस्ट बाइंडिंग करता है ओरिजिनल के साथ, राइट, ये बात हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। तो ये उसका एग्जाम्पल है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए आएगा। देखो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में सेंस और एंटी सेंस आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, जो कि एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए जो होता है निमेटोड का उसके एक्सप्रेशन को साइलेंट कर देते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस एक नोवल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है किसके द्वारा, किसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट इन्फेस्टेशन और निमेटोड का जो लॉस करते हैं निमेटोड की वजह से उसको क्या करने के लिए, उसको कहीं हद तक
सेव प्रिवेंट करने के लिए तो मेलेडोगाइनी इनकोग्निटा जो है इन रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इसके लॉस को बेसिकली इसके इन्फेस्टेशन को जो है प्रिवेंट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए आएगा। मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट जो कि यूज होता है डिस्टिलरीज में इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा किया जाता है यूज, कॉर्न मिल, सोया मिल, ग्राउंड ग्राम या मोलेसिस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मोलेसिस कॉमनली यूज किया जाता है डिस्टिलरीज में जिसकी इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। जो मोलेसिस होते हैं ये डायल्यूट हो जाते हैं एक मैश कंटेनिंग में, मैश कंटेनिंग यानी कि 10-20% जो है ये 10-20% वेट शुगर का ये क्या करते हैं कंटेन करते हैं, ठीक है। बाय फर्मेंटेशन सिस्टम ऑफ मोलेसिस इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस। जो फर्मेंटेशन सिस्टम होता है मोलेसिस का उसके जरिए जो है इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका मोलेसिस। जो प्रोसेस होता है आरएनए इंटरफेरेंस का हैज़ बीन यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंस टू। जो आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस हैज़ बीन यूज टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंस टू, किसके खिलाफ रेजिस्टेंस, कितनी बार देखा ये ऐसे ही मैं कह रही हूँ। इस चैप्टर में रिपीटेड क्वेश्चन चलेंगे पूरे एनसीईआरटी के निमेटोड्स, तो बार बार समझाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी तीन से चार क्वेश्चन इसके अब तक हम कर चुके हैं इस टॉपिक पे आरएनए इंटरफेरेंस। साइलेंसिंग फिर आ गया एमआरएनए की हैज़ बीन यूज इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली निमेटोड। जहाँ पे भी आ गया निमेटोड की तो बात हो रही है टोबैको प्लांट्स में, टोबैको रूट्स में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया निमेटोड्स हमारे पास आ गया, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा पूरा रिपीट कर देती हूँ इस प्रोसेस को मैं, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और लेकिन हालांकि मुझे लगता है अभी तक आपको समझ भी आ गए होंगे कैसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आ चुके हैं आई थिंक अभी तक हमारे, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुन लो, इस टेक्निक में जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन होते हैं उनको होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इस तरीके से कि ये बोथ सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। जो दो आरएनएज होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनाने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं इंटरफेयरिंग आरएनए भी बोलते हैं, जो कि आरएनए इंटरफेरेंस की इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी शुरुआत करने के लिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है स्पेसिफिक एमआरएनए की ट्रांसलेशन को किसकी निमेटोड की, ठीक है, यानी कि आगे ऑब्वियसली अगर इसकी ट्रांसलेशन वगैरह हो गई प्रोटीन में कन्वर्ट हो गए तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये इसको प्रिवेंट करता है। दस जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं बेस्ड ऑन आरएनएआई टेक्नोलॉजी आर रेजिस्टेंट टू निमेटोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी को अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिस्पेक्ट में। और आगे भी क्वेश्चन है क्या, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसकी कौन सी होगी। यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कॉटन, गलत है। यूज इज ओनली नेचुरली प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक कंपोस्ट, बिल्कुल खाद बोलते हैं इसको जो गोबर वगैरह का बनता है। डज नॉट यूज पेस्टिसाइड, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली ये जो केमिकल वगैरह केमिकली यूज ये केमिकल से बनते हैं इनका तो यूज बिल्कुल नहीं करते ऑर्गेनिक में। प्रोड्यूसेस वेजिटेबल रिच इन विटामिंस एंड मिनरल्स, ये नहीं है ए टू डे अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंटेक्स्ट में। ये दो हमारे पास ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है कि किस प्रकार खेती करी जा रही है, क्या क्या अल्टरनेटिव यूज करे जाते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट, डज नॉट पेस्टिसाइड यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, बी सी ठीक था हमारे पास, ओनली बी एंड सी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो टेक्निक पे रिलाई करती है, किस प्रकार की टेक्निक, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि मान लो कि एक साल आपने जो है गेहूं बोए, ठीक है, उस फसल पे, अगली बार भी मान लो कि दो बार लगातार गेहूं की फसल आपने उगाई, तो तीसरी बार आप उसको बदल के उसी खेत में उस जमीन पर आप जो है चावल की खेती करोगे, जिससे कि उसकी जो सोयल की फर्टिलिटी है वो रिटेन होती रहेगी बार बार, ठीक है। वो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि बार बार एक ही चीज़ जब बोते रहते हैं तो सोयल अपनी फर्टिलिटी को खो देती है, उसके न्यूट्रिशन या फॉस्फोरस कैपेबिलिटी या जो सिम्बायसिस वगैरह होता है। तो बेसिकली क्रॉप रोटेशन करना, ग्रीन मैन्यूर यानी कि हरे खाद जैसे गोबर वगैरह का होता है, ये कंपोस्ट जिसको हम बोलते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इनका यूज करना, तो सी बी और सी करेक्ट ऑप्शन है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस यानी बीटी फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल जो कि कंटेन करते हैं इंसेक्टसाइडल प्रोटीन दैट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, जो कि बाइंड करते हैं मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, कोटेड विद सेवरल जीन्स। एसिड तो बिल्कुल नहीं होता, एल्कलाइन होता है, डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम, विच गलत है। देखो
बेसिलस थ्योरेंजेनेसिस एक लार्ज अमाउंट में क्रिस्टलाइन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है इसके स्पोरुलेशन के द्वारा। सेल में जो टॉक्सिन है वो फॉर्म्ड होते हैं स्पोर के साथ साथ, और उनको हम रेफर करते हैं पैरास्पोरल बॉडी। किससे? पैरास्पोरल बॉडी। एक्स्ट्रा बता रही हूँ ये चीज़ें मैं आपको, एनसीईआरटी में नहीं है। जो बैक्टीरिया कैपेबल होता है कि वो इंसेक्ट के ब्लड में एंटर कर जाए और होस्ट इंसेक्ट को यूज़ करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। प्रोटीन्स जो हैं इंजेस्टेड, जो इंजेस्ट करे हुए स्पोर्स हैं उनमें जो प्रोटीन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं बाय गट हाई पीएच, हाई अल्कलाइन पीएच की वजह से, और पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनके गट के एपिथेलियल सेल को, और पेस्ट जो है वो अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम ब्रिंजल जो होती है इंडिया में हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इंडिया में उगाई गई हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम, किस केस में मतलब किस काम के लिए उसको जो है उगाया गया है, मतलब कि ग्रो किया गया था या लाया गया था, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इंडिया में हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। बीटी ब्रिंजल एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल, ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जिसमें मॉडिफिकेशंस कर रखे उसको हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं, जो कि डेवलप्ड बाय इंसर्टिंग एक क्रिस्टल जीन जो होता है बीटी से ब्रिंजल के जीनोम में क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ये जो प्रोसेस होता है इंसर्शन का इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरिया मीडिएटेड रिकॉम्बिनेशन को यूज करके जो है ये पूरा ट्रांसफर वगैरह हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका इंसेक्ट रेजिस्टेंस। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बीटी कॉटन की, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर, तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है इसके कॉन्टेक्स्ट में वो बताना है। लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंस टू एफिड्स, लॉन्ग फाइबर मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंस टू बीटल, लॉन्ग नहीं होती, हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम क्रिस्टल विच किल डिप्टेरियन, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म, बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है बीटी टॉक्सिन के कंटेक्स्ट में। देखो बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो आइसोलेट होते हैं बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस से, जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ पे किए जाते हैं, कॉटन के प्लांट में, ताकि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन को फॉर्म कर सके। बीटी कॉटन जो होता है उसकी यील्ड जो है काफ़ी हाई होती है, हाई यील्ड, एंड वो रेजिस्टेंस होती है किसके अगेंस्ट, बॉलवर्म्स। रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म। वट इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के कंटेक्स्ट में ट्रू क्या है ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। बीटी प्रोटीन जो एग्जिस्ट करता है एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बेसिलस, ठीक है, ये एक्टिव नहीं, इनएक्टिव के फॉर्म में। एक्टिविटी टॉक्सिन एंटर द ओवरीज नहीं, गट में, कंसर्न्ड बेसिलस एज एंटीटॉक्सिन नहीं होती उसके, मतलब कि उसका नहीं होता ऐसा कोई। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इन एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, बिल्कुल ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, काफी क्वेश्चन इसके बारे में आ चुके हैं, 2 से 3 टॉपिक के बारे में रिपीटेड होकर 20 तक हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन करते करते। तो 1-2 से 3 रिवीजन इस चैप्टर की पूरी अच्छे से अगर आप कर लोगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बैक्टीरियम बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस जो है वाइडली यूज किया जाता है कंटेम्पररी बायोलॉजी में एज, किसकी फॉर्म में यूज किया जाता है किसको, बैक्टीरियम बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस को, ये पूछा गया है। तो इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो बैक्टीरियम बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस वाइडली यूज किया जाता है कंटेम्पररी बायोलॉजी में एज इंसेक्टिसाइड। बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस जो है ऑल्सो नोन एज, उसको बीटी के तौर पर भी हम जानते हैं, वो एक ग्राम पॉजिटिव सोयल ड्वेलिंग बैक्टीरिया होता है, मतलब कि सोयल ड्वेलिंग यानी कि जो सोयल में घुल मिल जाए, जीनस बैसिलस का। बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस एक पैरास्पोरल इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन को फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रोडक्शन या यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है किसके प्रोडक्शन या यूज का, जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप्स होती हैं क्या है उनका मेन उद्देश्य, यहाँ पे पूछा गया है। एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ, बिल्कुल ठीक है, एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड गलत है। एनकरेज ईगो फ्रेंडली हर्बिसाइड, रिड्यूस हर्बिसाइड एक्युमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स इन द, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है एक्चुअली हमारे पास, ए और डी दोनों ही करेक्ट है। देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन या यूज का हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप का इज टू रिड्यूस, वो क्या होता है हर्बिसाइड का जो एक्युमुलेशन यानी इकट्ठा होना, हर्बिसाइड वगैरह जो फूड आर्टिकल्स में जमा हो जाता है, जैसे कि आप आजकल आप जानते हो कि कहाँ इतना अच्छा वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं खाने को, ठीक है, उनमें इतने केमिकल्स, इतने पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इतना कुछ यूरिया वगैरह सब कुछ किया जाता है, उनका स्प्रे वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स में उनका एक्युमुलेशन होता है और फिर हम उसका इंटेक भी कर लेते हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब खैर बदल गया काफ़ी कुछ। तो जो मेन स्टार्टिंग से बता रही हूँ, हर्बिसाइड एक्युमुलेशन का फूड आर्टिकल्स में फॉर हेल्थ सेफ्टी
सॉरी जो फील्ड होती है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप की कैन बी, उसको हम हर्बिसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि ग्लाइफोसफेट हो गया, वीड्स जो हैं ये हर्बिसाइड के द्वारा किल हो जाते हैं, जबकि क्रॉप जो है स्टिल अनअफेक्टेड रहती है, क्रॉप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ये रिड्यूस कर देती है हर्बिसाइड के एक्युमुलेशन को। फूड आर्टिकल में हेल्थ सेफ्टी के लिए जीएम प्लांट जो हैज़ बीन यूजफुल इन मैनी वेज, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है ये बहुत सारे वेज में यूजफुल साबित हुए हैं। नेक्स्ट है जो क्राई एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन किए जाते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से आर इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कितनी बार, क्या आएगा निमेटोड्स ऑब्वियसली। देखो एक मिनट, इसका निमेटोड्स नहीं है, इसका आएगा बोलवर्म्स। यहाँ पे हमारे पास क्राई एंडोटॉक्सिन की बात हुई है, बोलवर्म आएगा। सॉरी देखो क्राई एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से ऑब्टेन होते हैं, जो कि बोलवर्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। एक बोलवर्म जो है कॉमन टर्म होती है, किसी भी लार्वा ऑफ मोथ के लिए हम यूज़ करते हैं, लार्वा ऑफ मोथ के लिए हम इस टर्म का यूज़ करते हैं, जो कि अटैक करती हैं जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है ना सर्टेन क्रॉप्स की, स्पेशली कॉटन की, उनको अटैक करती है, तो उनके अगेंस्ट इसके पास रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद, जो नाम है नॉर्मन बोरलॉग का वो किससे एसोसिएटेड है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। डाटा बेस्ड एक बिल्कुल क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो नॉर्मन बोरलॉग है, देखो जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन है वो रेफर करती है एक बहुत ही सब्सटेंशियल इंक्रीज में, किसकी इंक्रीज में, यील्ड की, जो कि ऑब्टेन कैसे होती है बाय ब्रीडिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप अंडर इंटेंसिव एप्लीकेशन जो होती है फर्टिलाइजर्स की, इरीगेशन या पेस्टिसाइड की। जो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी में हैज़ कम टू बी नोन एज, उसको हम एज ग्रीन रेवोल्यूशन क्या करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर उसको टर्म कर रखा है, ठीक है। सो फॉर विच डॉक्टर बोरलॉग वॉन द नोबल प्राइज, नोबल पीस प्राइज इन 1970 में इन्होंने इसके लिए नोबल, इसको इनको नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोबल, जो बीटी स्ट्रेन्स है उनका यूज किया जाता है फॉर डिजाइनिंग नोबल, किस प्रकार की, क्या हमारे पास आएगा, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। देखो बीटी कॉटन जो होती है वो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप वैरायटी है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। बीटी कॉटन वैरायटी कंटेन करती है एक फॉरेन जीन को जो कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से ऑब्टेन हुआ था। ये जो बैक्टीरियल जीन प्रोटेक्ट करता है कॉटन को बोलवर्म से, एक मेजर पेस्ट है ऑफ कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से वाइल्ड प्लांट जो है शुड थ्राइव इज दैट दे आर गुड सोर्स ऑफ, मतलब कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताना है जिसकी वजह से जो जंगली पौधे होते हैं वो थ्राइव करते हैं, इज दैट दे आर अ गुड सोर्स ऑफ, किसकी मतलब कि क्या उनमें ऐसी जो है क्या बोल सकते हैं उसको, एनरीचमेंट किस चीज में होती है उनकी जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है हाईली न्यूट्रिटिव नहीं होते, अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड पेस्ट, पेस्ट ठीक है। देखो वाइल्ड वैरायटीज जो होती है उनके पास जीन्स होते हैं फॉर द रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड पेस्ट, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं, इजी है ऑब्वियसली। जो जंगली पौधे होते हैं आप खुद सोच के देखो, जहरीले होते हैं वो, उनको कोई भी प्लांट वो अपना कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट वैसे खाएगा वो वैसे ही ना मर जाएगा, राइट, वैसे ही मर जाएगा वो, तो उनके पास एक यही कैपेबिलिटी होती है। देखो न्यूट्रिशन तो उनमें कुछ होगा नहीं, कोई रेयर भी नहीं होते, कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे आपको ये जो है जंगली पौधे, तो ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स और सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, मैच करके सेलेक्ट करना है। बीटी टॉक्सिन क्या, अभी भी आपको समझाने की जरूरत रहेगी बार बार, कितनी बार हम इसके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। बीटी टॉक्सिन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस और एडिनोसाइन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी, ये एक जीन थेरेपी के मतलब कि एक डिसीज होती है जो कि जीन थेरेपी की मदद से जिसको क्योर किया जा सकता है। आरएनए इसमें क्या होगा, क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, सेलुलर डिफेंस, ऑब्वियसली सेल का आरएनए वो अपना डबल स्टैंडर्ड आरएनए का केस इसमें यूज करते हैं, सेंस और एंटीसेंस वाला जो है कंसेप्ट लगता है। पीसीआर की बात करें तो ये पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन होती है जिसका एचआईवी इन्फेक्शन जो होता है यानी कि एड्स में, एड्स की डिटेक्शन के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास डी होगा। देखो
थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देती हूँ. बिकॉज बीटी कॉटन के पास स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं जो कि आइसोलेट बेसिलस थुरिंजेनेसिस से होते हैं. काफ़ी क्वेश्चन इसके बारे में हम कर भी चुके हैं. जो पहला क्लिनिकली जीन थेरेपी थी वो 1990 में दी गई थी एक 4 साल की लड़की को जिसको एडिनोसाइन डी अमाइनेस डेफिशियंसी हो गई थी. ठीक है, ये डिसीज हो गई थी. आरएनएआई की बात करूँ, इंटरफेरेंस की, तो हम कई बार आप पढ़ ही चुके हैं. पीसीआर एक रूटीनली यूज मतलब एक जो है वो होता है टेस्ट टू डिटेक्ट एचआईवी सस्पेक्टेड. जो भी एड्स के पेशेंट वगैरह होते हैं उनमें एचआईवी इन्फेक्शन की सस्पेक्ट करने के लिए कि भाई उनमें है या नहीं ये चीज़, तो उसके लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से कौन सी है. प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है. जो इंसुलिन होता है बेसिकली वो ऐसे होता है, देखो ये होती है उसकी ए चैन, ये होती है बी और ये होती है सी चैन. तो जो प्रोटॉक्सिन यानी कि जो पहले बिल्कुल इंसुलिन होता है उसमें सी एक एडिशनल चेन होती है, फिर ये टूटते उठते हैं तो ये जो है प्लस सी जो पेप्टाइड चेन होती है ये बिल्कुल अलग हो जाती है, तो ये ठीक है. फंक्शनल इंसुलिन जो होता है उसके पास ए और बी चेन्स होते हैं लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत स्टेटमेंट है. हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक नहीं होते, डाइसल्फाइड ब्रिज से, यहाँ पे आएगा डाइसल्फाइड ब्रिज. इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है उनके पास एक टेंडेंसी होती है वो डाइमर बना सकते हैं सॉल्यूशन में, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. सी टर्मिनाई ऑफ बी चेन्स, ये तो छोड़ो कैरेक्टर है. ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, बिल्कुल ठीक है. मैन में जो इंसुलिन है वो एज अ प्रो इंसुलिन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होता सबसे पहले ये, तो उसके लिए हम प्रो वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, पहले विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड्स डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कौन सा जो है फीचर जेनेटिक कोड का वो अलाउ करता है बैक्टीरिया को कि वो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से. जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगियस, ये गलत है. ये एम्बिगियस होता है. जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, नहीं. ये क्या कम, क्या इसमें कोई रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी थोड़ी होती है. नियरली यूनिवर्सल, बिल्कुल ठीक है. ये यूनिवर्सल होता है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में जेनेटिक कोड को हम कुछ और बोल देंगे उसकी कुछ और सीक्वेंस हो जाएगी और एशिया में कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता. यूनिवर्सल होता है, हर एक जो कॉर्नर होता है, हर एक जो स्टेट होती है, स्टेट कह रही हूँ सॉरी, कंट्री होती है बेसिकली, वहाँ पे सेम जेनेटिक कोड होता है. जेनेटिक कोड स्पेसिफिक नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक होता है. देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. यूज टू ट्रीट, जिसका ट्रीटमेंट, इंसुलिन का ट्रीटमेंट किस चीज में करते हैं हम, डायबिटीज वगैरह के ट्रीटमेंट में, क्योंकि जेनेटिक कोड जो है वो नियरली यूनिवर्सल होता है, याद रखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है जो पहला ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा. कौन सा अभी हम करके आ रहे हैं, कौन सा था वो, इंसुलिन. कितनी बार बात कर ली, मैमेलियन हार्मोन्स जो है वर अमंग द फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि प्रिपेयर्ड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्रिपेयर किया गया आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से. ह्यूमन इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल, वो पहले की है. ठीक है, इसमें इंसुलिन आ गया, ह्यूमन ग्रोथ वाला हार्मोन भी एक आ सकता, थायरोक्सिन वगैरह तो नहीं होते, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये तो जो है सेक्स हार्मोन्स होते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज टू रिप्लेस अ डिफेक्टिव जीन इन द जीन थेरेपी. कौन से वेक्टर को यूज किया जाता है, जो डिफेक्टिव जीन होता है ना, जिसमें डिफेक्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए जीन थेरेपी में किस वेक्टर की मदद ली जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन है एडिनोवायरस. देखो एडिनोवायरस एक नॉन एनवेलप्ड, यानी कि इसमें कोई ऐसी एनवेलप वगैरह नहीं होता इसके ऊपर किसी प्रकार का, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज को कॉज करता है. स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन जो होती है फाइबर प्रोटीन पे वो यूज की जाती है कि वो जो टारगेट करे किसको, एडिनोवायरस को, सर्टेन सेल टाइप्स के लिए. एक जो मेजर एफर्ट होता है इज मेड टू लिमिट जो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है उसको लिमिट करने के लिए किया गया, और प्रिवेंट मल्टीपल जो ऑर्गन फेलियर वगैरह की कंडीशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एडिनोवायरस का यूज किया जाता है एज अ व्हीकल कि वो एडमिनिस्टर कर सके टारगेटेड थेरेपी को किसकी फॉर्म में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर प्रोटीन की फॉर्म में. ठीक है, एडिनोवायरस इतनी समझ नहीं आ रही है सारी चीज़ें आपको, तो याद रखते चलो, क्वेश्चंस को बदलते नहीं, ये मतलब ऐसे ही रहेंगे. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए दी गई, हम करके आ चुके हैं. एक 4 साल की लड़की 1990 में उसको दी गई थी एडिनोसाइन डी अमाइनेस डीएफिशिएंसी के लिए. डेफिशिएंसी जीन थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो कि जो कि जीन्स का यूज करती है ट्रीट या प्रिवेंट करने के लिए किसको, डिसीज को. एडिनोसाइन डी अमाइनेस डेफिशिएंसी जिसको हम एडीए डेफिशिएंसी भी बोलते हैं या फिर एडीए एससीआईडी. ठीक है, इसको ये भी बोला जाता एससीआईडी का क्या मतलब है पहले ये समझ लो. ठीक है, एडी तो ये समझ जाओगे, एडीए मतलब कि
एडीनोसाइन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी, ये तो ठीक है। एससीआईडी का मतलब होता है ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो कि इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब जो है आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारी डिसीज़ जो है ईजिली आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं, आप उसके जो है शिकार हो सकते हो। एडीए डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है, एक एंजाइम होता है एडीनोसाइन डी एमाइनेज, उसकी कमी के कारण ये डिसीज़ हो जाती है। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है एक किस चीज के लिए दी गई थी, ट्रीट करने के लिए एडीनोसाइन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी। एक 4 साल की लड़की थी, ये पहली जीन थेरेपी पेशेंट बनी थी September 14, 1990 में एट NIH क्लिनिक सेंटर, क्लिनिकल सेंटर में, ठीक है, कहीं बाहर। कंटिन्यूस एडिशन शुगर का फेड बैच में फर्मेंटेशन इज डन टू, किस काम के लिए किया जाता है, मतलब जो कंटिन्यूस एडिशन करते रहते हैं शुगर का फैट बैच में, फैट बैच की फर्मेंटेशन में इज डन टू, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, एंजाइम्स को प्योरीफाई करने के लिए। देखो एक फैट बैच क्या होता है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल बैच प्रोसेस होता है ये, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, फीडिंग ऑफ अ ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, मतलब कि ग्रोथ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट सब्सट्रेट जो है उसकी फीडिंग के लिए, इट इज डन फॉर, मतलब कि एंजाइम्स को प्योरीफाई करने के लिए। याद रखो फैट बैच का जान जिक्र आ जाए, प्योरीफाई एंजाइम्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को अबाउट बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज, इनके जो रिस्पेक्ट में आपको ये देखना है चारों स्टेटमेंट को, विच आर द टू स्टेटमेंट और इनमें से कोई दो स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। देखो ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है किसमें, हार्ट लंग मशीन में, बिल्कुल ठीक है। जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो ऐसे होता है जो ब्लड है, अब देखो ओपन हार्ट सर्जरी या ब्लड क्या उसके वेसल्स आर्टरीज वगैरह में फ्लो करेगा, नहीं ना, तो वो एक हार्ट लंग की मशीन होती है उसमें सर्कुलेट करता है। ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरीज इज रिमूव्ड बाय एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी को डिटेक्ट करने के लिए होती है ये, इसको रिमूव नहीं कर सकती। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी यानी CAT जिसको हम बोलते हैं, ये डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं एक सेक्शन ऑफ बॉडी, बिल्कुल ठीक है। एक्सरे प्रोवाइड करते हैं क्लियर और डिटेल्ड इमेजेस ऑफ ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट, बिल्कुल गलत है। एक्सरे कभी आपने देखा वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज शो करते हैं, डिटेल्ड इमेजेस कैसे शो कर सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या लंग्स वगैरह की। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट होगा, और मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा भी देती हूँ। देखो जो मॉडर्न हॉस्पिटल है कैन मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ, मतलब कि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, सोफिस्टिकेटेड मतलब कि जो थोड़े जटिल होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, और इक्विपमेंट का ऑफ एक्यूरेट, मतलब कि एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए या उन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए भी, ठीक है। तीन मेन कैटेगरीज इंस्ट्रूमेंट्स की और इक्विपमेंट्स की यूज की जाती है, डायग्नोस्टिक के लिए, इमेजिंग के लिए या थेरेपेटिक के लिए। फ्रॉम अबव गिवन स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है, स्टेटमेंट वन और थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द हार्ट लंग मशीन, बिल्कुल हमने देख लिया, और एक ये CAT वाला, ये अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है ऑफ हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज बीम्ड इनटू ह्यूमन बॉडी, सोनोग्राफी जब कराते हैं हम तो उसमें जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी का जो अल्ट्रासाउंड है वो बीम किया जाता है अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको पास कराया जाता है सोनोग्राफी के दौरान, ठीक है। तो ये पूछा गया है तो कितनी फ्रीक्वेंसी, 1 से 15 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का होता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में। देखो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक रेंज करती है, जो कि बिकम पार्ट ऑफ, मतलब ऑब्वियसली हमारी लाइफ का पार्ट बन चुकी है अब तो, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह कराते रहते हैं लोग, हम जानते हैं। वी आर नाउ ऑल फैमिलियर विद द ब्लरी ब्लैक एंड व्हाइट सोनोग्राफ्स, ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड पिक्चर जिसको हम बोलते हैं, जो कि अनबोर्न बेबी को भी मदर के यूट्रस में इवन दिखा सकता है। ऑल्दो इट मे टेक अ लिटिल इमेजिनेशन ऑन आवर पार्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि जो राउंड सर्कल है वो बेबी का हेड है, दैट डज नॉट प्रिवेंट अ प्राउड मदर टू बी फॉर्म शोइंग ऑफ आर बेबी, बेसिकली तो थोड़ा एक्स्ट्रा वैसे ही बता दिया है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है 1 से 15 मेगाहर्ट्ज की, ठीक है। सोनोग्राफी प्रेगनेंसी वगैरह में कराई जाती है, आपको पता होगा, ठीक है, सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में होती है बेसिकली। मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी की टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन में मैक्सिमम एप्लीकेशन एनिमल सेल कल्चर का टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, किसकी प्रोडक्शन के लिए, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एडिबल प्रोटीन्स। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर्म्ड होती हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये फॉर्म होती है किसके फ्यूजन से, जो एंटीजन यानी माइलोमा सेल्स जो होते हैं एंटीजन और बीटा सेल्स जो होते हैं, ठीक है, बी सेल्स, उनके फ्यूजन से। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन, इसको हम इम्यूनोथेरेपी में भी यूज करते हैं, किसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, किसका, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, बिकॉज दे हेल्प टर्न द, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है उसको कैंसर के अगेंस्ट थोड़ी सी जो है क्या एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस की, तो वैसे तो प्रॉपर क्योर तो नहीं होता, बहुत सारी बहुत एक्सपेंसिव और मॉडर्न
लेवल का जो है इसमें ट्रीटमेंट होता है अगर कोई अच्छे से ले तो, ठीक है। बेसिकली तो कैंसर में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हैं कैंसर और एड्स के बारे में अच्छे से। वट इज़ ट्रू फॉर आप जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ा है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, दीज एंटीबॉडी ऑब्टेन फ्रॉम वन पेरेंट एंड फॉर वन एंटीजन। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक टाइप के एंटीजन के लिए ही स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार के एंटीजन के लिए अपनी स्पेसिफिटी शो कर रही हैं, नहीं। ये जो ये ऑब्टेन होते हैं बाय इंजेक्टिंग इट, जो टारगेट एंटीजन जो होता है उसको रैट या माउस में इंजेक्ट किया जाता है। कुछ समय बाद जो स्प्लीन सेल्स होते हैं यानी कि जो आरबीसी में स्प्लीन सेल्स होते हैं, आपको पता होगा आरबीसी जब मर जाती है तो स्प्लीन सेल्स में चली जाती है, कुछ टाइम बाद जो स्प्लीन सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को जो कि आइसोलेट की जाती है और उसको माइल्यूमा सेल्स के साथ जोड़ दिया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ये इसका मैंने आपको प्रोसीजर बताया है अभी, ठीक है। फ्रॉम पेरेंट एंड फॉर टू एंटीजन, वन पेरेंट एंड फॉर मैनी एंटीजन, नहीं ये भी गलत है। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन सक्सेसफुली यूज इन द कमर्शियल प्रोडक्ट। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है वो सक्सेसफुली यूज़ किया गया किसके कमर्शियल प्रोडक्शन में, किसके यहाँ पे क्या अभी हमको बार बार ह्यूमन इंसुलिन। ऑब्वियसली देखो ह्यूमन इंसुलिन जो है 53 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ए और बी जो कि कनेक्टेड होते हैं डायसल्फाइड बॉन्ड की डायसल्फाइड ब्रिज की लिंकेज से। 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने प्रिपेयर किए दो डीएनए सीक्वेंस की जो कि एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग थे ए एंड बी इंसुलिन। उन्होंने दो डीएनए के सीक्वेंस को प्रिपेयर किया कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी इंसुलिन चेन्स। जब उनको प्लास्मिड में ई कोलाई के प्लास्मिड में इंट्रोड्यूस किया तो इंसुलिन की चेन वहां पे बनी। दे वर एक्सट्रैक्टेड उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और फ्यूज कर दिया गया ह्यूमिलिन को फॉर्म करने के लिए जिसको ह्यूमिलिन का मतलब होता है इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो एक्सप्लोरेशन होता है मोलिकुलर जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी का फॉर नोवल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नोन एज, उसको क्या बेसिकली एक डेफिनेशन पूछिए आपसे बायो प्रोस्पेक्टिंग की। एनसीईआरटी की बुक में यही सेम वो डेफिनेशन दे रखी है, वही हमसे पूछ ली गई है। देखो बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है रेफर करती है टू एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक या स्पीसीज लेवल की जो डाइवर्सिटी होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए फॉर प्रोसेस ऑफ किसके प्रोसेस के लिए डिस्कवरी और कमर्शलाइजेशन किसके न्यू प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। बायो प्रोस्पेक्शन जो होता है कैन बी सेड टू हैव उसके दो डिफरेंट साइड होती है, एक जो है one on one hand, एक तरफ तो जो बहुत सारे बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटी क्या बनाने के लिए ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए, दैट इज जैसे ओपियम पोपी जो होता है गिव अस अ पेन रिलीफर, एक पेन रिलीफर इससे मिलता है जिसका आपने सुना भी होगा मोरफिन, ठीक है। ये व्हाइट विलो ट्री हेल्प डस डेवलप, ये एस्पिरिन को डेवलप करता है। नॉलेज अबाउट स्पॉइल्ड स्वीट क्लोवर गिव राइज टू अ पावरफुल एंटीकोगुलेंट जिसको हम वारफेरिन कहते हैं। बेसिकली ये हमें यहाँ पे दे रखा है कि किस किस चीज़ की मदद से क्या कुछ हमारे जो है हित में चीज़ें बन सकती है, ये बात यहाँ पे करी गई है। बायोप्रेसी की अगर मैं बात करूँ, अगर बायोप्रेसी के बारे में आई थिंक बायोप्रेसी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में इसी के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लोइटेशन जो होता है बायो रिसोर्सेज का, एक्सप्लोइटेशन यानी उनका जो शोषण होता है बायो रिसोर्सेज का हमारे नेशन के मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा बिना अथोराइजेशन के, मतलब कंसर्न कंट्री के बिना अथोराइजेशन के इज रेफर टू, उसको हम बोलते हैं बायोपिरेसी। ये होता है बायोपिरेसी टर्म। देखो बायोपिरेसी रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज का यूज मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं बिना प्रॉपर अथोराइजेशन के फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, और उसके जो कंपनसेटरी पेमेंट क्या होता है कि भाई कोई लॉस हो गया उसके बाद जो पेमेंट करनी होती है जो उनको ये क्या बोलते हैं उसको बिल्कुल हिंदी में जुर्माना काइंड ऑफ तो नहीं, मतलब अलग ही होता है, मतलब आप समझ गए होंगे उसके जो रिटर्न में हमको कंपनसेटरी पेमेंट देनी होती है किसी भी चीज़ में, तो वो बिना उसके। देखो बायोवार या फिर वॉरफेयर की अगर मैं बात करूँ, इसको बायोवॉर या फिर वॉरफेयर
भी इसको हम बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, टॉक्सिन या फिर ऑर्गेनिक बायोसाइड्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बेसिलस एंथ्रेसिस हो गया, यर्सीनिया पेस्टिस हो गए, इनको यूज किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए इंजर या फिर इमोबिलाइज लाइफ स्टॉक, वेजिटेशन या फिर ह्यूमन लाइफ। बायोवेपन की अगर मैं बात करूँ, ये क्या होता है, ये हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, जैसे कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जिसको हम न्यूरोटॉक्सिन बोल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज किया जाता है एज अ वेपन टू कोज डेथ या फिर डिसीज, यूजुअली होना लार्ज, मतलब कि एक लार्ज स्केल पे डिसीज या फिर जो है डेथ वगैरह कोज करने के लिए, ठीक है। बायोथिक्स की बात करी जाए, ये स्टडी होती है एथिकल इश्यूज जो एमर्ज होते हैं, एडवांसेस इन, देखो ऑब्वियसली जितनी तरक्की करेंगे उसके कुछ ना कुछ तो नेगेटिव जो है फीडबैक होता ही है, उसके नुकसान भी हमें झेलने को मिलते हैं, तो बायोथिक्स में उसी के बारे में बात होती है। रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोसिस का यूज करना मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ ये तो हो गया था, स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज जो कि एमर्ज होते हैं फ्रॉम एडवांस्ड इन बायोलॉजी, एडवांसेस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, जो यूज होता है बायो रिसोर्सेज का मल्टी नेशनल कंपनीज के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के कंसर्न्ड कंट्री के और उसके पीपल के इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। इज कॉल्ड, हाँ तो अभी हम करके आए, ये क्या आएगा, बायोपिरेसी, ऑब्वियसली काफी इजी था। बायोप्रेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विद कंपनसेटरी पेमेंट। नेक्स्ट, इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज, क्या बोला गया, इंडिया में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर असेसिंग द, जो सेफ्टी होती है इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की पब्लिक यूज के लिए, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी है वो, याद रखना है ये आपको, इंडियन काउंसिल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC, इसकी डेफिनेशन, ये मतलब डेफिनेशन कह रही हूँ, इसकी फुल फॉर्म भी ऐसे आपसे पूछी जा सकती है, कन्फ्यूज होने के चांसेज है इसमें आपके, तो आप इसको अच्छे से याद रख लो। इंडियन गवर्नमेंट के है सेटअप, उसने सेटअप कर रखी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होती है, जो कि विच विल मेक डिसीजन, जो कि वैलिडिटी जो होती है जीएम रिसर्च की, उसके हित में डिसीजंस लेती है और उसकी सेफ्टी के लिए ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है। एक है न्यू वैरायटी ऑफ राइस, जो कि पेटेंट बाय, पेटेंट होता है कि एक जिसके पास उसका पूरा हक हो, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका पेटेंट राइट, वो पेटेंटेड बाय एक फॉरेन कंपनी के पास उसका पेटेंट राइट था। दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट, लेकिन वो वैरायटी जो इंडिया में भी प्रेजेंट रही एक लॉन्ग टाइम के लिए, दिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, किसकी बात करी जा रही है, बासमती की बात करी जा रही है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने जो है बासमती राइस का पेटेंट ले लिया था US पेटेंट के थ्रू और ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू, दैट वाज एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द, जो कि एक्चुअली इंडियन फार्मर की वैरायटी से ही डिराइव्ड हो रखा है। तो जो डाइवर्सिटी है राइस की इंडिया में इज वन ऑफ द रिचेस्ट है वर्ल्ड में, यानी कि 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज बासमती की इंडिया में ग्रो हुई थी, ठीक है। 27 इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैरायटीज और क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और अ नोवेल्टी। शरबती, सनोरा और लर्मोरोजी की अगर बात करें जाए, ये वीट की वो होती है, वीट की वैरायटीज है दोनों। विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM, कौन सी है, अभी हम करके आए हैं बी ऑप्शन, क्या बार बार बताने की जरूरत है, मैंने आपको बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऑफ, कौन सा होता है, आपको पता होगा चूहे के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं है। इन द वर्ल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज माइस। नेक्स्ट, रीड करना फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A to D अबाउट सर्टेन मिस्टेक इन टू ऑफ देम, और इनमें से कोई मतलब कि मिस्टेक है कौन से में है, क्या गलत है वो बताना है, ठीक है, दो कोई गलत होंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे चार दे रखा हैविंग मिस्टेक्स, गलत कौन सा, हाँ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी, क्या
क्या क्वेश्चन था मिस्टेक, हाँ गलत हमें यहाँ बताने थे, पहली ट्रांसजेनिक बफेलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज ह्यूमन एल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन एनरिच्ड, एक्चुअली ये बफेलो नहीं थी रोजी, ये काउ थी, तो ये सबसे पहला तो ये गलत हो गया हमारे पास यहाँ। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, नहीं आइसोलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता, उनको स्पेसिफिक साइट पे कट लगाए जाते हैं, ठीक है, ये हम अपना उसमें मोलिकुलर बेसिस में चैप्टर में पढ़ते हैं ये चीज। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप, वो बिल्कुल ठीक है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर का यूज किया जाता है आरडीएनए के ट्रांसफर में इनटू होस्ट, ये भी ठीक है। मिस्टेक ए और बी, डी ऑप्शन करेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूस, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको सक्सेसफुली यूज किया गया है फॉर प्रोड्यूसिंग, किस चीज की प्रोड्यूसिंग के लिए उसका यूज किया गया है, तो ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर, बिल्कुल ठीक है। पोलियो की वैक्सीन का यूज सबसे पहले कहाँ पे, माइस में किया गया था, मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट कार्डिकल रोजी विच प्रोड्यूस, हाई फैट नहीं, एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क इज गलत है। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक माइस, बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइस जो है वो डिजाइन किए गए हैं ताकि वो इंक्रीज कर सके अंडरस्टैंडिंग को कि कैसे जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसजेनिक माइस है आर बींग यूज टू टेस्ट द, जो सेफ्टी होती है पोलियो वैक्सीन की उनकी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस जो है आर बींग डेवलप्ड फॉर, उनको डेवलप किया गया है फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज इन, मतलब इससे पहले वो ह्यूमन बींग्स में उसको यूज करें। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इन इनटू आवर सेल एंड रीजनरेटिंग आवर प्लांट फ्रॉम, कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दोज विच आर जनरेटेड बाय कोई फॉरेन डीएनए उनके अंदर इंसर्ट किया गया एक सेल के अंदर और रीजनरेट आवर प्लांट फ्रॉम दैट सेल, और उस सेल से कोई भी प्लांट जो है रीजनरेट हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी मॉडिफिकेशन वाला बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सोलविंग द प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस किससे एसोसिएटेड होती है, विटामिन ए से इन डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज, विटामिन ए किससे एसोसिएटेड है, गोल्डन राइस से, करेक्ट ऑप्शन डी, वेरी इजी क्वेश्चन। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इंप्रूव ट्रेट, क्या क्या इंप्रूव ट्रेट है, हाई विटामिन ए कंटेंट, बताने की जरूरत नहीं। दो माइक्रोब्स जो कि फाउंड टू बी वेरी यूजफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से वो दो माइक्रोब्स है जो कि काफी यूजफुल पाए गए हैं, कौन से हैं वो पूछा गया है, विब्रियो कोलेरा एंड डिप्लोकोकस क्राउन कोल बैक्टीरियम सीनो हैबिटिटिस एलिगेंस नहीं, ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस, बिल्कुल ठीक है। ई कोलाई एक बैक्टीरियम है जो कि ह्यूमन के कोलोन में पाया जाता है, ऑन दिस बैक्टीरियम साइंटिस्ट हैव मेड बहुत सारे एक्सटेंसिव जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ वाइटल केमिकल जैसे कि इंसुलिन को बनाने के लिए। अनदर बैक्टीरियम जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, उसका यूज किया जाता है, कॉजेज क्राउन गोल इन प्लांट्स इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, तो बेसिकली ये भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया गया है। ओके, तो इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, काफी इजी चैप्टर है, दो से तीन बार एनसीईआरटी की बुक से एक अच्छी खासी रीडिंग लो और ये रिपीट देखो, आपने देखा कि कौन से टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट थे, एक आरएनए इंटरफेरेंस वाला था, एक अपना वो था गोल्डन राइस से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है, एंटीसेंस सेंस ये तो इसमें आरएनए वाले में आ गया था हमारा, और इस प्रकार के बीटी कोटिन से रिगार्डिंग तीन से चार इसमें काफ़ी सारे हमने मेजोरिटी में क्वेश्चन देखे हैं, तो उसी में से क्वेश्चन आए हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, एक बार फिर से आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से और एनसीईआरटी से पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।